अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद सादी, अहमद बिन साले सादी, जगबली म्यूनसिपल इंचार्ज AIMIM। और ये आप जो ताल्लुक से बोल रहे हैं, सर, ये कोरोना वायरस जब से स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन जब से हुआ है, तो जो पेशेंट्स को लेके यहाँ पे आपके पास इंतजाम किया गया है, तो ये बहुत काबिल तारीफ काम है जो हैदराबाद बोल के, मैं समझता हूँ तेलंगाना स्टेट में तो कोई भी नहीं करे। पहले शख्स से आपके दिमाग में कैसा है, सब ये बात बताइए कि जो है कोरोना वायरस के पेशेंट को हम जो है तकसीम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जब पेशेंट आया तो असद साहब का फोन आया था जी, कि क्या करना है, कैसा कोई जगह है। हम बोले ठीक है, असद साहब से मशवरा करे, मशवरा करके एक यहाँ से सिटी से 15 किलोमीटर पे कब्रस्तान है जो अकबर साहब हाल ही में 2-3 साल पहले उसको अपने उसमें लिए थे। कब्रस्तान का पूरा नाम फकीर मुल्ला है और कब्रस्तान का नाम हम लोग हबीबे मिल्लत रखे हुए है। और वहां पर जब फर्स्ट जब पेशेंट आया तो असद साहब से मशवरा करके, कहीं भी नहीं थी, जो हैदराबाद में तो कैसा हाल चल रहा आपको मालूम है जी, जैसा कोविड बोलते परेशान हुआ थे लोग, हमारे को लग जाती क्या वबा, हमारे को ऐसा होती क्या बोलते। तो हम लोग बात करके वो फर्स्ट पेशेंट को जब वहां पे तदफीन करने के लिए जब लाए, वहां से गांधी हॉस्पिटल से ला के जब खड़ा दिए, जेसीपी को जब बुलाए, हम लोग 3 जेसीपीओ को कॉल करे थे, कोई भी नहीं आया, 2 नहीं आया, रात हो गई थी। यहाँ हमारे सलीम बेग साहब भी आ गए थे वहां से, हमारे जिम्मेदार है सलीम बेग साहब भी, उन्होंने भी आया, दूसरे उसको करे फोन आया, उन्हें आके जैसा एम्बुलेंस आई आते देख के उसको भाग गया सिस्टम का टाइम। निकलने के बाद हम लोग बोले हुए क्या करना, रात का टाइम है, पुलिस भी हमारा साथ दी, पुलिस बालापुर हमारे सर्कल साहब बालापुर साथ दिए, फिर पलटा के हम एमपी साहब से मशवरा करें क्या करना। फिर बारकस में हमारी एक कमेटी है कब्रस्तान कमेटी, बोल उनसे रब्त वो करे करके उसके बाद उनसे उनको बुला के उनके हाथ से कराए, 2 घंटे उसको लगे। सर क्या हर किसी को कुल्लू न समझाया, खतर मौत है, हर एक को मरना है, कोई आगे है कोई पीछे है। अब ये तो अपना काम है, अपना मुसलमानों का काम है।